हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दीप। आज की वीडियो में हम करेंगे ब्लॉक पेंटिंग। ये होती हैं ब्लॉक्स। जब हम ये ब्लॉक्स बाय करते हैं उसके बाद हमने पेंटिंग करनी होती है। उससे पहले पेंटिंग के पहले ये ब्लॉक्स हमने रेडी करने होते हैं। किस तरह से रेडी करने होते हैं आइए देखते हैं। ब्लॉक पेंटिंग करने के लिए हमें तैयार करने होते हैं ब्लॉक्स जो हमने यूज करने होते हैं पेंटिंग के लिए। तो इसके लिए किसी भी ट्रे या प्लेट के अंदर मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल डाल लीजिए और ब्लॉक का डिजाइनिंग वाला हिस्सा इसके अंदर इस तरह से रख दीजिए। ध्यान रखें कम से कम इतना हिस्सा ऑयल के अंदर डूबना चाहिए और इसको कम से कम 24 घंटों के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये ऑयल को सोख सके। 24 घंटे के बाद हम ब्लॉक्स निकालेंगे जो हमने मस्टर्ड ऑयल में डाल के रखे थे। इसको अच्छी तरह से किसी कपड़े या कागज की हेल्प के साथ साफ करेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल उतार देंगे। तो देखा आपने किस तरह से ब्लॉक्स को पेंटिंग से पहले रेडी करना है। ये जो ब्लॉक्स है ये आप मार्केट से भी बाय कर सकते हो, ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो, हमसे भी बाय कर सकते हो। हमसे बाय करने के लिए जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। वहाँ पे हम आपको सारे डिज़ाइन दिखा देंगे। अपनी पसंद के डिज़ाइन के स्क्रीनशॉट भेजिए और अपनी पसंद के डिज़ाइन बाय कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरह से ब्लॉक पेंटिंग करनी है और अपनी ड्रेस को सुंदर बनाना है। अगर आप घर पे कर रहे हैं ब्लॉक पेंटिंग तो हम नॉर्मली जो कलर के साथ हम पेंटिंग करते हैं फैब्रिक कलर उनके साथ हम ब्लॉक्स पेंटिंग कर सकते हैं। इस तरह से एक प्लेट लेनी है, ट्रे लेनी है, कोई भी आप ले लीजिए नीचे, और उसके ऊपर रखनी है इस तरह से स्पंज। ब्लॉक के हिसाब से ले लो, चौड़ाई में ले लो, और उसके ऊपर हम कलर डालेंगे। मैंने ये ऑरेंज कलर लिया है। किस तरह से फैलाना है इस तरह से मैंने स्पंज पे कलर स्प्रेड कर लिया है और अब हम ब्लॉक को कलर के ऊपर रखना है। इस तरह से कलर लगाना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये मैंने मार्क लगाया है इधर को, जो ड्रेस को इस तरह से फोल्ड करना होता है। ये मैंने 2 इंच छोड़ा है और नीचे से मैंने छोड़ा है 3 इंच। 3 इंच जो नीचे फोल्ड होना है वो मैंने 3 इंच छोड़ा है और इधर से मैंने 2 इंच छोड़ा है। यहाँ से हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। इस तरह से मैंने ब्लॉक को पकड़ा, इस तरह से रख दिया। ठीक है, रख दिया, इसको टिका दिया। अब इसको यहाँ पे आप पिंस भी लगा सकते हैं। इस तरह से उठा लेना कपड़ा। अब जिस तरह से जिस डायरेक्शन में ब्लॉक पकड़ा है, इस तरह से हमने ब्लॉक लगाया है तो इसको इसी तरह से पकड़े रखना है और फिर से ब्लॉक को हम कलर लगाएंगे। इसके बिल्कुल साथ रखना है इस तरह से। अगर आपसे ज़रा सी कोई दिक्कत होगी, ऊपर नीचे इधर उधर ज़रा सा हो गया, तो फिर इसको ऐसे नहीं कि उठा के फिर रखना है या छेड़ना नहीं है, इसको पड़ा रहने दो और इस तरह से उठा लेना है। इस तरह से मुक्के लगाने हैं और उठा लेना। अब देखिए यहाँ तक मार्किंग की है हमने, जो पेंट करना है यहाँ तक करना है। अगर मैं ब्लॉक लगाऊंगी तो आगे जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे मार्किंग की है वहाँ पे इस तरह से पेपर रख लेंगे और इस तरह से ब्लॉक रख देंगे। उठा लेंगे और जहाँ तक मार्किंग थी वहाँ तक जो ब्लॉक है वो लग चुका है।
तो अब हम दूसरा कलर लगा रहे हैं, दूसरा ब्लॉक लगा रहे हैं, तो इस स्पंज पे हम कलर डालेंगे ग्रीन। ठीक है, आप उसी स्पंज को यूज़ कर सकते हैं, उसी स्पंज को वॉश करके उसी तरह से निचोड़ के गीला उसको यूज़ कर सकते हैं उसी टाइम। मैंने नई ले ली है, आप नई भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसी तरह से ये फैब्रिक कलर मैंने लिया है ग्रीन कलर, नियोन ग्रीन, और इस तरह से मैंने स्प्रेड किया है स्पंज पे। ब्रश के साथ इस तरह से कलर को फैलाएंगे कि स्पंज के अंदर चला जाए। जब हम ब्रश के साथ पेंटिंग करते हैं उसके मुकाबले ब्लॉक पेंटिंग में कलर थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। ये वाला मैंने लिया और ब्लॉक, इस तरह से कलर लगाया। ठीक है, लगा लिया पूरी तरह से कलर इसको। फिर इसके बिल्कुल ऊपर हमने ये वाला डिज़ाइन लगाते जाना है, इस तरह से टिका दिया। ठीक है, इसको भी इस तरह से प्रेस करेंगे, कपड़े को इस तरह से पकड़ के उठा लेंगे। ठीक है, उसी डायरेक्शन में पकड़ना है, ये जो पिछला हिस्सा है ये पिछला ही रहना चाहिए, इसी तरह से कलर लगाना है। ठीक है, और इस तरह से उसकी इसके एंड वाले हिस्से के साथ स्टार्टिंग वाला पार्ट रख के इस तरह से अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर यूज़ कीजिए। जिस तरह का आपका दुपट्टा है, जिस तरह का बॉटम है, या कलर देखिए कौन से कलर, लाइट पे डार्क कलर लगते हैं, डार्क ड्रेस पे लाइट कलर अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से अपने कलर चूज़ करके पेंटिंग कर सकते हैं। अगर ब्रश वाली पेंटिंग आपको मुश्किल लग रही है तो ये पेंटिंग बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। बस ब्लॉक्स को बाय करना है, उसको किस तरह से तैयार करना है वो आपने वीडियो में देखा स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद इस तरह से आपने ड्रेस पे ब्लॉक्स लगाने हैं। इस तरह जैसे हमने पहले पेपर रखा था उसी तरह से पेपर रख के जो डिज़ाइन है उसका एंड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ तक ही ब्लॉक लगाना था। मैंने फिर से वही ब्लॉक लगाना है, वही ऑरेंज कलर लेना है। वही डिज़ाइन जो हमने नीचे लगाया उसी कलर को हम रिपीट करेंगे इस तरह से। आप मार्किंग कर सकते हैं, मैं आपको सिखाने के लिए ऐसे कपड़े पे बनाती हूँ तो थोड़ी मैं अनगहली कर जाती हूँ, लेकिन आप पूरी मार्किंग किया कीजिए। जैसे अब हमने यहाँ पे बनाना है तो आप उस पर पूरी लाइन लगाइए। जिस तरह से हमने नीचे वाला बॉर्डर बनाया था ऑरेंज कलर का, उसी कलर को लेके, उसी ब्लॉक को लेके हमने ग्रीन के ऊपर इसी तरह से लाइन लगा के बॉर्डर रेडी करना है। अब हमने लेना है रेड कलर। मैं फिर से बता रही हूँ, वही स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं, नई भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। उसी को अच्छी तरह से वॉश करके भाई यूज़ कीजिए चाहे। ये वाला ब्लॉक लेना है हमने। ठीक है, इस तरह से कलर लगाना है। ये मैंने डॉट लगाया है 4 इंच ऊपर। इस तरह से फ्लावर को उठा लेना है, और इस तरह के फ्लावर हम पास पास बनाएंगे। देखना यहाँ पे, यहाँ पे,
यहाँ पे ये रैंडमली लगाया मैंने, बस एक निशान के हिसाब से लिया था। इस तरह से लगाते जाना है। अब अगर तो आप ब्रश पेंटिंग करना जानते हैं तो इसको इस तरह से स्टेम्स लगा दीजिए, नहीं तो ये ब्लॉक इसी तरह से लगाने के लिए बना है, इसको इसी तरह से बस फ्लावर बनाइए। अभी मैं एक और ब्लॉक आपको बताती हूँ। जो हमने ग्रीन कलर, ये वाला डिज़ाइन हमने लिया था, ये ग्रीन कलर, इसको मैं फिर से यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ब्रश के साथ बनानी आती है तो उसके साथ स्टेम बनाइए, अगर आप फुल ब्लॉक पेंटिंग कर रहे हैं तो इस तरह से कीजिए। इस तरह से यहाँ पे मैं एक डाली बना रही हूँ, ठीक है, डाली समझते हो, इस तरह ये बन गई। इसके बाद हम इस पे लगाएंगे स्पैरो, ये लिया है मैंने गोल्डन कलर, ये बॉटल में गोल्डन मेटालिक भी मिल जाता है, मैंने डस्ट के साथ बनाया है, ये वाला मीडियम टू यूज़ करके, इसको बाइंडर भी बोलते हैं, ये वाली डस्ट है, गोल्डन कलर की डस्ट है ये, इसको और इसको मिक्स करके ये डस्ट रेडी होती है। इसको किस तरह से रेडी करना है, डस्ट को कलर में किस तरह से मैंने कलर बनाया है डस्ट से, मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल को देखिए और वीडियो बनी हुई है उसको देखिए किस तरह से बनाना है। तो ये डस्ट मैंने इस पे फैला लेनी है, क्योंकि अब जो हमने ब्लॉक लगाना है वो गोल्डन कलर के साथ मैं लगा रही हूँ। वही स्टाइल के साथ, वही प्रोसीजर, इस तरह से गोल्डन कलर को इसमें डालेंगे स्पंज में। ये गोल्डन कलर में हमने इस तरह से चिड़ी को डुबो देना है पूरी तरह से, ठीक है, अच्छी तरह से कलर लगा लिया। अब इसके जो पैर हैं इसके ऊपर रखूंगी मैं, इसके ऊपर चिड़ी को यहाँ बिठा देना है, इसको पीटना है फिर और इसको उठा लेना है। इस तरह से चिड़िया रानी बन गई, डाल पे बैठ गई। अब हम क्या करेंगे, अगर तो आपको ब्रश पेंटिंग नहीं आती तो आप ये वाले फ्लावर दूर दूर लगा के ये वाला जो ब्लॉक है इसके नीचे इस तरह से रख रख के स्टेम्स बना सकते हैं, पत्तियां भी लग जाएंगी, ठीक है। अगर आप थोड़ी बहुत पेंटिंग कर लेते हैं ब्रश के साथ तो आपको इस तरह से लेना है 0 नंबर ब्रश, 1 नंबर ब्रश, 2 नंबर, इन तीनों में से कोई भी लीजिए और इस तरह से स्टेम्स, छोटी छोटी स्टेम्स हैं नीचे को, इस तरह से लगा देंगे। इसको और भरना चाहते हैं तो ब्लॉक के साथ और फ्लावर भी लगा सकते हैं और इस तरह से ब्रश के साथ छोटे छोटे फूल बना सकते हैं, दूसरे कलर के साथ भी बना सकते हैं। इस तरह से ब्रश को रखना है, जो ये नोक वाला हिस्सा है बाहरी, जो जिस साइड पिन है उसको नीचे तक नहीं दबाना और जहाँ मोटी साइड है उसको नीचे दबाना है। तो किस तरह की लगी आपको आज की वीडियो, इजी लगी होगी उम्मीद करती हूँ। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, ब्लॉक्स लेना चाहते हैं तो
तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है वहाँ पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके बाय कर सकते हैं ये वाले ब्लॉक्स। ज़रूर ट्राई कीजिए, ब्लॉक पेंटिंग बहुत ही ईजी है। फिर मिलती हूँ अगले नए डिज़ाइन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।